दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशिक। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है गिल्टी। ये मूवी में हमें नजर आती कायरा अडवाणी। वो एक ही नॉन फेस है जो पर्सनली मैं जानता हूँ, बाकी उसके अलावा जितने भी एक्टर्स थे सारे के सारे मेरे लिए न्यू कमर्स थे। मैंने उन लोगों को किसी भी मूवी या सीरीज में नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कायरा अडवाणी हो या दूसरे एक्टर्स हो, सभी लोगों ने काम बहुत ही शानदार किया और सबका काम मुझे अच्छा लगा। लेकिन इस मूवी में कुछ ऐसी खामियां भी, जिसे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के आगे चल के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो बेसिकली इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कि #MeToo मूवमेंट। अब इस मूवमेंट के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप इंडिया में रहते हो तो इस मूवमेंट को शुरू किया था तनुश्री दत्ता ने, जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाई थी बॉलीवुड के एक्टर नाना पाटेकर पर। और उसके बाद तनुश्री दत्ता के इस मूवमेंट के शुरू करने के बाद तो काफी लड़कियां जिनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था वो लड़कियां ने भी अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया। और ये एक वक्त इंडिया में ऐसा आया था कि #MeToo मूवमेंट की एक लहर थी, दौड़ पड़ी थी, और इस लहर के चलते काफी लड़कियों ने इसका यूज किए, काफी लड़कियों ने इसका मिसयूज भी किया, ऐसी रूमर्स थी। मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा नहीं हूँ किसी के ऊपर। खैर, जो इस मूवी की कहानी वो किसी बॉलीवुड के एक्टर या किसी पॉलिटिशियन या किसी बिजनेसमैन पे नहीं, इस मूवी की कहानी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट पर। और हमारे इस मूवी के जो तीन मेन कैरेक्टर है, एक तो है विजय, एक है नैनकी और तीसरी है तानी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा विजय के बारे में। विजय एक पॉलिटिशियन का बेटा और विजय कॉलेज का हार्ट ड्रॉप है, यानी कि जितनी भी लड़कियां कॉलेज की या तो उसकी दोस्त बनना चाहती है, या तो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, या तो उसके साथ सेक्स करना चाहती है। खैर, दूसरे कैरेक्टर नैनकी की बात करो तो नैनकी का यहाँ पर रोल प्ले किया कायरा अडवाणी ने। वो एक सॉन्ग राइटर है, वो काफी बिंदास किस्म की लड़की है। और तीसरे कैरेक्टर की बात करो वो है तनु। तनु एक छोटे घर से आई है, छोटे शहर से आई है, धनबाद से आई है, और उसका एक्सेंट ऐसा है कि जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट है सब उसका मजाक उड़ाते हैं, सब मतलब उसके साथ खेलते हैं बेसिकली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 14 फरवरी की रात को तनु इल्जाम लगाती है विजय पर कि उसने उसका रेप किया। तो आप पूरी की पूरी फिल्म में आपको यही देखता है कि वाकई में 14 फरवरी की रात को तनु का रेप हुआ था, और अगर रेप हुआ था तो क्या वाकई में विजय ने उसका रेप किया था या किसी और ने किया, या इसके पीछे कुछ और साजिश है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी मुझे कैसी लगी। मूवी की जो अच्छी बात मुझे लगी वो था इस मूवी का जो मैसेज था, वो एक ऐसा मैसेज जिसके बारे में यहाँ पर मैं रिवील नहीं करूंगा। बस पर्टिकुलर इस तरीके की चीजें और बनना चाहिए ताकि जो लड़कियां होती है या जो औरतें होती जिन पर इस तरीके का अत्याचार होता है, इस तरीके की सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो वो अपनी डर के मारे, किसी के डर के मारे वो आवाज उठा नहीं पाती है। लेकिन एक्चुअली उन लोगों को आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक होता है मर्जी के साथ अगर सेक्स करना और एक होता है बिना मर्जी के सेक्स करना, उसमें बहुत फर्क होता है। और काफी लोग बोलते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है तो लड़कों को उचकाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, लड़का हो या लड़की हो, सबकी जिंदगी सबका अपना अपना हक है, कपड़े पहनने का, कहाँ पर जाने का, किससे बात करने का, तो हम लोग किसी को रोक नहीं सकते। तो ये मूवी में ऐसी बहुत सारी चीजें जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समाज के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, इस मूवी की जो सबसे बुरी बात लगी वो थी इसकी लेंथ, क्योंकि ये मूवी की जो लेंथ है वो तकरीबन 2 घंटे की है। अगर इसको अच्छे से एडिट करते तो सिर्फ 1.5 घंटे में ये मूवी खत्म हो जाती थी, और अगर 1.5 घंटे की मूवी होती तो वाकई में ये मूवी वॉचेबल होती थी। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से अगर मैं इसकी लेंथ के ऊपर जाऊँ तो भाई मुझे काफी निराशा हो रही थी। इसी वजह से मैं इस मूवी को 5 में से 3 स्टार दूंगा, 2 स्टार मैं काटूंगा सिर्फ इसकी लेंथ की वजह से। लेकिन 3 स्टार दे रहा हूं मैं सिर्फ इसकी जो एंड में जो ये मैसेज देती है, जो बताती है ये मूवी, ये मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मूवी का डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, और जितने भी एक्टर्स हैं सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बता दूं कि जो बड़े कॉलेज होते हैं और जो छोटे कॉलेज होते हैं उनमें यही फर्क होता है कि छोटे कॉलेज में तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये सब बोलते हैं, और बड़े कॉलेज में यू फक यू और यू एसोल बस इंग्लिश में बोलते हैं, बाकी कुछ भी फर्क नहीं होता। और पढ़ाई के मामले में चाहे बड़ा कॉलेज हो या छोटा कॉलेज हो, सब एक ही जैसा है। तो बस अगर आप लोगों को ये मूवी देखनी तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये वॉचेबल फिल्म है, लेकिन आप ये फैमिली के साथ तो कतई नहीं देख सकते हो, क्योंकि इसमें काफी बैड वर्ड का इस्तेमाल किया गया, और कुछ बैड वर्ड इंग्लिश में बोले, कुछ हिंदी में बोले गए, तो आप मेरे को नहीं लगता कि आप ये फैमिली के साथ देख पाओगे। मगर हाँ, ये फिल्म एक अच्छा मैसेज देती है, और ये फिल्म काफी उन चूतिये लोगों को बुरी लगेगी जो लड़कियों को पैर की चूती समझते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों को इधर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को उधर नहीं जाना चाहिए, या लड़कों को इस तरह से रहना चाहिए, लड़के अपना रौब अपने ईगो में रहना चाहिए। तो ये बहुत सारी मसले मसाइल है, तो उस पर मैं तो नहीं जाऊंगा। ये मूवी देखना आप जरूर देखना। तो बस आपको मैं मिलूं कल किसी नए वीडियो में। तिल जान, दुआ में याद रखना।